स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बुधवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नलों के स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 27 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया जाएगा, जिससे शहर में लगने वाले सड़क जाम से निजात दिलाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से पहले पूरे शहर में 27 चौक चौराहों पर यह ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरियागंज टावर चौक पर वर्षों से खराब घड़ी की भी मरम्मत कराई जाएगी। स्थल पर तो समस्याएं प्रवेदित की गई थी स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों द्वारा, जिस पर उन्होंने मार्गदर्शन की मांग की थी। तो इसके साथ सभी सीनियर मैनेजमेंट के साथ स्थल का निरीक्षण किया है और जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी विभिन्न विभागों के संबंध में उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। और अब क्लैरिटी आ गई है कि किस प्रकार से काम करना है, जिससे काम में गति आएगी। क्या कुछ लगेगा यहाँ टावर पर जीर्णोद्धार के दौरान? जी, अभी निरीक्षण के क्रम में सरियागंज टावर, जो मुजफ्फरपुर के एक पहचान के रूप में जाना जाता है, उस पर ऑब्जर्व किया गया कि जो घड़ी है वर्षों से खराब है, तो उसको हम लोग तुरंत इसको चेंज करवा रहे हैं। साथ ही पूरे उसका जो जिन भी शहीदों का नाम लिखा हुआ है उनको बढ़िया से पत्थर पर लिख कर, जो उनका भी मिट रहा है, हल्का हो गया है, उन सबको चेंज करा के एक नया शिलापट पर सभी का नाम अंकित किया जाएगा। और जो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं टावर पर कुछ डैमेज दिख रहा है किसी कारणवश हो गया होगा, उसको भी सभी को रिपेयर कराया जाएगा, तो ताकि ये पहचान के रूप में जाना जाता रहे। इसके साथ ही इस जंक्शन पर काफ़ी व्यस्त जंक्शन है, ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लग रहा है।